नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी आई हूँ टेरेस गार्डन में और सफाई कर दी है। देखिए, और इस तरह से मैंने अपने सारे प्लांटों में पानी डाल दिया है। देखिए, आपको ना सुबह सुबह आके अपने गार्डन में पानी दे देना चाहिए पौधों को, तो आपके पौधे पूरे दिन बिल्कुल ठंडक में रहेंगे। तो आप ये काम जरूर कीजिए, अगर आप शाम को पानी देते हो फ्रेंड्स तो बिल्कुल ना दीजिए, जिससे आपके प्लांट खराब हो सकते हैं और अच्छी ग्रोथ भी नहीं करते हैं। मेरे जो प्लांट आपको हेल्थ जो दिख रही होगी मेरे प्लांटों की, वो हेल्थ का यही राज है कि मैं सुबह सुबह आके फ्रेंड्स पानी डालती हूँ और गुड़ाई करती हूँ। जैसे गुड़ाई रोज नहीं होती है, जैसे 4-5 दिन के बाद मिट्टी ऊपर नीचे जब हो जाती है तो हमारे प्लांट की जड़ों में हवा और जो हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं बहुत सारे मिल जाते हैं। तो ये काम बहुत ज़रूरी है, मैं सुबह आके ये छोटे छोटे वर्क करती हूँ गार्डन में। देखिए कितने अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं। तो आज मैं बात करूंगी पिटोनिया और डायंटस पर, तो इसकी आप केयर कैसे करेंगे, जिससे आप डायंटस को तो पूरी साल बचाकर रख सकते हैं और पिटोनिया तो अप्रैल और मई तक आप बहुत आसानी से बचाकर रख सकते हैं। तो इसको इसके बचाने के मैं आपको राज बताऊंगी और मैं अपडेट भी देती रहूंगी कि मेरी पिटोनिया कब तक ये जीवित है। तो देखते रहना वीडियो को, वीडियो को लाइक करना और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना, प्लीज लाइक जरूर करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट में बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अपने पौधों की साफ सफाई करेंगे, पानी डालेंगे और अपने गार्डन को साफ करेंगे तो आपका गार्डन बहुत ही अच्छा आपको दिखेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। हम आके अपने गार्डन में बैठते भी हैं, चाय भी पीते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम अपना गार्डन में ही बिताती हूँ। तो देखिए, ये जो डायंटस है, तो बात कर लेते हैं डायंटस प्लांट पर। इसकी जो आपको ग्रोथ दिख रही है कितनी हेल्दी है, और फ्लावर देखिए आप, सारी कलियों में फ्लावर है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये फ्लावर जो कुछ मुरझाया हुआ है, तो आप इसको यहाँ से ही कट कर देना है। अगर हाथ से कट नहीं हो रहा है तो आप कैंची से कट कर देना। अभी देखिए, मैंने जब भी फूल ये सूख जाते हैं तभी मैं फ्रेंड्स कट कर देती हूँ। जैसे आप कट करेंगे तो आपका जो प्लांट है ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और हेल्दी हो जाएगा। कट करते रहना चाहिए। देखिए, यहाँ से फ्लावर जो हो चुके थे उनको मैंने कट कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से आप जो फ्लावर डेड हो जाए उनको आप कट करते रहना चाहिए। तो इस तरह से आपको डायंटस प्लांट की केयर करनी है। दूसरा केयर ये है कि आप इसको छाया वाली जगह पर रख दीजिए, अभी धूप बहुत ज्यादा है इसलिए। तो आप छाया वाली जगह पर जब भी रखेंगे तो आपका प्लांट हेल्दी भी बनेगा और इसको आप थोड़ी बहुत धूप छाया जैसे मिलती है वैसे मिलती रहना चाहिए, उससे इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी आपको बिल्कुल भी खाद और कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है, और जो भी आप फर्टिलाइजर देंगे वो आप ठंडा ही देंगे। अब गर्म दिन होने लगे हैं, प्लांटों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जैसे आप सरसों की खली का आप देते हैं वो बिल्कुल ना दीजिए। जैसे आपके घर में फ्रूट वगैरह आते हैं उनको आप 3 दिन के लिए पानी में डाल दीजिए और उनका जो लिक्विड निकलता है उसको आप अपने ऐसे प्लांटों पर यूज कीजिए। तो देखिए, आपको सबसे पहला काम है इसको छाया वाली जगह पर शिफ्ट कर देना है, अगर आपने धूप में रखा है तो। और छाया वाली जगह पर इसी तरह से आप पिटोनिया को भी केयर करेंगे तो आपका पिटोनिया कम से कम मई के पहले उसमें हफ्ते में तक ये जीवित बनी रहेगी। अगर आपको धूप में आप इसको रखे रहेंगे तो आपके ये बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, ये मार्च के महीने के बाद ये खत्म हो जाएगा। इसको बचाने के लिए आप मई तक आप इसको बहुत आसानी से बचा सकते हैं। इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, जब भी मिट्टी जब सूख जाए तभी आप पानी दीजिए। ये नहीं आए और आपने पानी डाल दिया, ऐसे तो आपका प्लांट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इस तरह से, और जब भी ये जो फ्लावर होते हैं मुरझाए हुए हो जाते हैं उनको आप काट दीजिए, जैसे सूखने लग जाते हैं। ये अगर सीट बना देंगे तो आपके प्लांट जो है ना वो खराब हो जाएंगे। सीट बनाने में ही अपनी एनर्जी ये लगा देंगे तो ये बिल्कुल भी इनकी हेल्थ खराब हो जाएगी और ये प्लांट खराब हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जो भी, जैसे ये फ्लावर है तो अभी तो ये ठीक है, मैंने पानी डाल दिया है इसलिए कुछ ऐसे है नीचे की तरफ, लेकिन ये ठीक है। और जब भी फ्लावर आपको ऐसे ये फ्लावर मुरझाया हुआ है मान लीजिए,
तो आप यहाँ से कट कीजिए, यहाँ से तो इसकी यहाँ से ही न्यू न्यू ब्रांच निकलेंगे और इस तरह से कलियां निकलेंगी। तो देखिए आपको मेरा ये प्लांट कितना हेल्दी नजर आ रहा होगा। तो इसी तरह से मैं पिंच करती रहती हूँ, जहाँ से ही फ्लावर निकलते हैं उसके नीचे से मैं फ्रेंड में पिंच कर देती हूँ, तो इस तरह से इसकी न्यू ब्रांच निकलती है और मेरा प्लांट ये हेल्दी बन जाता है। तो ये काम जो मैंने आपको बताए हैं पिटोनिया और डायंटस पर, आप डायंटस को तो पूरी साल ही बचा सकते हैं फ्रेंड्स, जो आप छाया वाली जगह में रखेंगे और इनके फर्टिलाइजर और खाद बिल्कुल ना देंगे। जितना भी आपको देना था वो आपने दे दिया, जब भी आप एक महीने के बाद आप ठंडा सा फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने डायंटस प्लांट को बचा सकते हैं। ये थी डायंटस प्लांट की केयर। अभी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा धूप है, तो उधर आपको जो सामने प्लांट दिख रहे हैं वो क्या है कि उधर अभी थोड़ी देर के लिए आती है धूप, एक डेढ़ घंटे के लिए, उसके बाद यहाँ पर छाया रहती है। इसीलिए मैंने जितने भी छाया वाले प्लांट हैं उनको मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, और जो धूप वाले प्लांट हैं वो इसी साइड में लगे हुए हैं। देखिए इस तरह से, तो आपको यही अभी ये मार्च के महीने में लास्ट में बहुत ज़्यादा धूप पड़ने लग जाएगी, तो अभी से ही आप जो छाया वाले प्लांट हैं उनको छाया वाली जगह पर शिफ्ट कर दीजिए, बिल्कुल भी धूप में नहीं रखना है। अगर आप धूप में रखते रहेंगे तो प्लांट खराब हो जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे और फ्लावर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इस तरह से देखिए धूप वाले प्लांट मैंने यहाँ धूप में शिफ्ट कर दिए हैं और छाए वाले प्लांट मैंने फ्रेंड्स इधर शिफ्ट कर दिए हैं। तो ये काम भी बहुत जरूरी है अभी आपको करना, जैसे आपने इतनी मेहनत की है तो आप अपने प्लांटों के साथ में इस तरह से केयर बहुत जरूरी है आपको करना, तभी आपके प्लांट के जो कलर हैं वो आएंगे और आपकी प्लांट की जो ग्रोथ है वो आएगी। तो आप को ये काम बहुत जरूरी है करना। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की ये जो कलर है, देखिए कितने अच्छे से आ रहे हैं, इनके भी देखिए आप कितने अच्छे से कलर आ रहे हैं। तो जो छाए वाले प्लांट को आप छाया में रखिए, अभी धूप तेज है तो इनकी जो धूप की जो रफ मिलती है, धूप की जो धूप छाया मिलती है, उसी से इन प्लांटों को बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी बालकनी है और बालकनी में ये प्लांट लगे हुए हैं। अभी मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, ये जो देखिए यहाँ पर फाइकस का प्लांट है और ये लिली का है, इसको भी मैंने सारा कट कर दिया था और आप देख सकते हैं इसकी कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है। ये देखिए फाइकस का है, आज मैंने इसकी सारी कटिंग कर दी है, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारा का सारा ये प्लांट काट दिया है। तो इसी तरह से आप प्लांट को काटते रहिए, और देखिए यहाँ पर भी मैंने इस प्लांट को भी पूरा काट दिया है, आप देख सकते हैं एक दो पत्ते बचा दिए हैं। इस तरह से मैंने पूरा का पूरा, ये मोगरा प्लांट है और बहुत ही हेल्दी है, तो इसको मैंने काट दिया है और यहाँ पर इसकी देखिए कटिंग्स पड़ी हुई है फ्रेंड्स, ये देखिए ढेर सारी इसकी कटिंग्स पड़ी हुई है। इन कटिंग को आप लगा सकते हैं, मोगरा प्लांट की कटिंग को भी लगा सकते हैं और ये जो फाइकस की, जो फाइकस प्लांट की कटिंग है इसको भी आप लगा सकते हैं। तो ये प्लांट आप दो, आपके दो प्लांट बन जाएंगे। तो इस तरह से आप कटिंग लगाते रहिए, जब भी आपका कोई भी एक प्लांट खराब होगा तो इस तरह से आपका प्लांट एक तो बचा रहेगा आपके पास, तो आप कटिंग जरूर लगाते रहिए। देखिए यहाँ पर मैंने सदाबहार प्लांट की कटिंग की थी और ये कटिंग देख सकते हैं आप, यहाँ से न्यू इसकी ब्रांच निकल रही है, आप देखिए पूरा मैंने इस प्लांट को कट कर दिया था और एक ये हैंगिंग में लगा हुआ है। तो इस तरह से जब ये पूरा हमारा पॉट भर जाता है तो अच्छा लगता है ये प्लांट, इसलिए आप कटिंग करते रहना चाहिए। और देखना अभी इस पर बर्ड आने लगे, मतलब ये फ्लावर खिलेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा, एकदम भरा भरा सा ये पॉट। तो इस तरह से आप कटिंग करते रहना चाहिए, अभी आपका कटिंग का पीरियड चल रहा है फ्रेंड्स, तो आप कटिंग जरूर करें। देखिए ये छोटी छोटी जानकारी हमारे पेड़ पौधों को बहुत ही फायदेमंद बनाती है। तो इस तरह से जो मैंने जानकारी दी है, अगर आप इसी तरह से अपने प्लांटों की केयर करेंगे, प्लांटों को कहाँ रखना है, कैसे इनकी केयर करनी है, वो मैं आपको हमेशा वीडियो में बताती रहती हूँ, और यही मैंने इसी वीडियो में बताया है। जो प्लांट को पिंचिंग करना है उनको पिंचिंग कीजिए और जो कटिंग करनी है उनकी कटिंग कीजिए, तभी आपके प्लांटों की ग्रोथ हेल्दी बनेगी। तो इस तरह से ये काम आपको
जरूर करने हैं। इस तरह देखिए जो टोप्यारी बनाते हैं उनकी भी आप इस तरह पिंचिंग कीजिए तो बहुत घनी से घनी ये टोप्यारी हो जाती हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने कर दी थी ये और वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था। तो ये काम आप करते रहना चाहिए। तो आपको मेरी ये जानकारी फ्रेंड्स कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स यहाँ तक है। थैंक यू।